बाकी जी सारा खान जो है उनका नया जो म्यूजिक एल्बम है, वीडियो एल्बम, उसके लिए आप शुभकामनाएं देने के लिए आई हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? या बिल्कुल, आज सारा खान मेरी बेस्ट फ्रेंड है, माय डार्लिंग, माय स्वीट हार्ट, माय बडी, और आज उसके वीडियो का लॉन्च है और उसके वीडियो का नाम है ब्लैक हार्ट, एंड टुडे आई एम वेयरिंग अ ब्लैक कॉस्ट्यूम, यू नो, इसीलिए तुम्हारा इससे ज्यादा हॉट ब्लैक क्या हो सकता है? मेरा ध्यान भी वहीं जा रहा है एक्चुअली, मैं को रोक नहीं पा रहा हूं, आई डोंट नो व्हाई। तुम्हारा इसके ईशान की नजर हार्ट पे जा रही है, पता नहीं कहां जा रही है। You naughty? Don't do this. You naughty? Don't do this. तुम मेरा घाघरा नहीं दिखा रहे हो? Black heart जैसा। So I want to say that के सारा ने सिंगिंग किया है इसमें, शी संग सो नाइसली, आई लव हर वॉइस एंड वीडियो इज अमेजिंग, स्पेशली हर लुक्स, स्पेशल एंड इट्स लुकिंग इंटरनेशनल, एकदम इंटरनेशनल, आफ्टर सो लॉन्ग एक वीडियो ऐसा इंडिया में है जो बहुत इंटरनेशनल दिख रहा है एक्चुअल में। सारा इज लुकिंग अमेजिंग इन द वीडियो एंड संग बाय सारा, तो ब्लैक हार्ट जो जितने भी लोग हैं वो ज़रूर देखे भी और सुने भी, बिकॉज आप एक पल में आप जज ना करें, बिकॉज उसे गाना पड़ता है, उसे सिंगिंग करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, एंड उन्होंने पूरा फ्रॉम हर हार्ट इज रेड, बट ब्लैक हार्ट किसे कहते हैं मैं बताऊँ, ब्लैक हार्ट उसे कहते हैं जो पीछे से बिचिंग होती है, जो लोगों की ब्लैक हार्ट होते हैं, यू नो, जैसे आज मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हूँ, बहुत ज़्यादा हॉट लग रही हूँ, अब कितने लोग मेरे पीछे बिचिंग कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड ब्लैक हार्ट। एग्जैक्टली। सो सारा का भी वीडियो ऐसा ही है, वेरी इंटरनेशनल, आई लव इट, डिड यू लाइक इट? ऑफ कोर्स, स्पेशली हर लुक, स्पेशली हर न्यूड लुक इन द कॉटन, वाओ, कॉटन में सारे पूरा न्यूड लुक, आई लव इट, वेरी गट्सी वीडियो, बहुत गट्सी, आई वांट टू डू, सारा आई वांट टू डू कॉटन में, मैं भी एकदम न्यूड लुक करना चाहती हूं। आप फूलों में करना ना? किसमें? फूलों में। फूल तो मैं खुद हूं, मैं कांटों में करूंगी। राखी, आपने भी काफ़ी सारे म्यूजिक वीडियोस किए हैं, म्यूजिक एल्बम्स में आप काम कर चुकी हैं, तो इस एल्बम के लिए क्या कुछ टिप्स वगैरह आपने सारा को दी? नहीं, आई डोंट थिंक सो कि आई शुड गिव हर टिप्स, शी इज़ हर सेल्फ, शी इज़ ब्यूटिफुल, वेरी टैलेंटेड एंड वेरी इंटरनेशनल हर वॉइस, बिल्कुल इंडियन सिंगर नहीं लग रही है, एंड लुक वाइज, हर फेस वाइज, हर लुक्स वाइज, हर डांस वाइज, हर पोज वाइज, शी लुक्स इंटरनेशनल। हम तो इंडियन हैं, हम तो इंडिया में रह के वर्ल्ड फेमस है। जहाँ तक अगर बात करें न्यूडिटी की, न्यूडिटी जो न्यूड पोज उन्होंने दिया है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? सो दिस इज योर ब्लैक हार्ट, आपको न्यूड क्यों दिख रहा है? दिस इज कॉल्ड योर ब्लैक हार्ट, यही है वो गाने का नाम। हमें क्यों नहीं दिख रहा न्यूडिटी? हमें करने के लिए उसको फॉरगेट अबाउट द गर्ल, बट शी इज लुकिंग, व्हाई डोंट आई, व्हाई कांट यू सी न्यूड, शी इज लुकिंग सो हॉट, शी इज लुकिंग ब्यूटीफुल, इट्स नॉट मैटर ऑफ गर्ल, सो ब्यूटीफुल, शी इज लुकिंग। अच्छा, उसमें क्या दिख रहा है? कुछ दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, हाफ उसका बॉडी दिख रहा है, शी इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल, वेरी आर्टिस्टिक एक्चुअली, वेरी अट्रैक्टिव, है ना, अट्रैक्टिव, वेरी आर्टिस्टिक, वेरी अट्रैक्टिव, शी शोड हरसेल्फ वेरी नाइसली इन द वीडियो, या काफी लोग इसका विरोध भी जताएंगे, उनको आप क्या संदेश जताएंगे? जताया तो नहीं ना, नहीं तो अभी तक वीडियो सामने भी नहीं आया है। ओके, तो कौन जताएगी? मुझे तो आप ही लग रहे हो जताने वाले, यू हैव अ ब्लैक हार्ट, आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो, कोई अगर जो भी उसके खिलाफ जाएंगे, सारा खान के खिलाफ, उसको मुझसे सामना करना पड़ेगा, मुझसे, रेड हार्ट से, जी हाँ, राखी सावंत से कोई भिड़ नहीं सकता, नो चांस, शी इज माई फ्रेंड एंड शी हैज डन अ हार्ड वर्क, हे सारा यार, ब्लैक हार्ट, She is the fantastic singer. I've told you about Black Heart. हम लोग बहुत तारीफ कर रहे थे. Very international voice you have and international video. Especially your looks. And especially I like your looks. But I like your lyrics also. Positive. They ask me what is meaning of Black Heart. I say Black Heart वो होता है जो पीछे से bitching करते हैं. Am I right? Yes. Yeah. And another thing is, आजकल लड़कियां भी लड़कियों को नहीं छोड़ती हैं. उनके कपड़ों को लेकर, उनके boyfriends को बदलने को लेकर, to everything they talk a lot. So एक लड़की को slut shame करने पर ये गाना है.
जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैंने अपनी ज़िंदगी भी बनाया है, जो कि हर लड़की को आई थिंक रिलेट करेगा. सो मच शेयर द सॉन्ग. आई वांट टू से अबाउट सारा, शी इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग गर्ल, वेरी नाइस गर्ल, एंड द मोस्ट अमेजिंग पर्सन इज़ राखी सावंत. लाइक शी डजंट हैव ब्लैक हार्ट. अनदर थिंग, शी डजंट हैव जेलसी, जो कि हर किसी में होती है. और ये इंसान अपनी दोस्तों की दोस्त है, दोस्तों के लिए जान देती हैं, दोस्तों को चाहती हैं कि वो जितने अच्छे दिख सकते हैं उतने दिखें. और हर लड़की ऐसा नहीं करती, हर लड़की आगे बढ़ने पर बिल्कुल भी नहीं खड़ी होती. शी इज़ द वन जो दोस्तों की दोस्त है, दुश्मनों की दुश्मन है. तो बच के रहना. कैन यू सिंग योर सॉन्ग प्लीज? यस. या ओके सर. ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵਿਗੜਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਲ ਪਲ ਜੱਜ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਕ ਹਾਰਟਡ ਕਹਿੰਦਾ. ਵਾਓ, ਲਵਲੀ. ਮੇਕੋ ਆਈ ਲਵ ਇਟ, ਆਈ ਲਵ ਯੂਰ ਲਿਰਿਕਸ. ਯੂ ਨੋ देखिए, मैं ये नहीं बोल सकती क्योंकि अभी तक मुझे मूवी का कोई ऑफर नहीं आया, तो लेकिन बहुत जल्द आ जाएगा इस वीडियो के बाद. इंशाल्लाह, आई होप दैट. हर एक्टर का सपना होता है कि वो बड़े से बड़े प्लेटफॉर्म पे पहुंचे. एंड आई डोंट वांट टू बी द वन हु विल से ओ मेरे पास ये ऑफर है, वो ऑफर है. बट आई वांट टू से अक्षय, शाहरुख, सलमान, प्लीज साइन हर फॉर योर मूवी बिकॉज शी इज द बेस्ट. लुक एट दिस. यस. हु डज दैट? हु डज दैट फॉर एनीबॉडी? एस्पेशियली आफ्टर ब्लैक हार्ट. Dude, she's a sweetheart, man. I don't care about... Okay, if she doesn't do what she does, she will not be who she is. Oh, wow. Guys, yeah. She is the one who had guts to do whatever she did. And I love her. I truly love her. Thank you. Thank you. वीडियो एल्बम को बनाने के लिए पैसे की बहुत तैयारी करनी पड़ी क्योंकि खर्चा सारा मैंने किया है. तो पैसे की तैयारी बहुत करनी पड़ी. बाकी फैसल मियां फोटो वाले जो मेरे भाई हैं, इनका एक सवाल है, मुझे वो जवाब दो. कह रहे कि आपने हाफ वो कॉटन के अंदर हाफ न्यूड किया है, इसको अपोजिशन हो सकता है. तो मैंने कहा क्यों हो सकता है जी? व्हाई? आपकी नजर कहीं और क्यों जाती है? जस्ट बिकॉज मुसलमान कम्युनिटी में ये कहा जाता है कि लड़कियों को पर्दा करना चाहिए, तो मुसलमान कम्युनिटी में ये क्यों नहीं कहा जाता कि लड़कों को आंखों में पर्दा कर देना चाहिए और लड़कियों को खुला रहे घूमना चाहिए? Why not? Very true. So I'm so sorry to say that. But आपने पर्दा किया है कॉटन से? I am कॉटन से पर्दा किया है. I am Muslim myself, and मेरी सिर्फ एक ही complaint है towards those people जो खड़े हो जाते हैं बुरखा बुरखा बुरखा. अरे शर्म करो तुम लोग पहले अपनी आंखों पे कि तुम वो चीज क्यों देख रहे हो. तुम्हें पर्दा करना चाहिए, हम क्यों पर्दा करें? वुमेन, हम लोगों की इज्जत सबसे ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि हमने ही तुम्हें पैदा किया है, वरना तुम आते कहाँ से साले? और अब मैं सारे बुरके आदमियों को पहनाऊंगी मैं. एग्जैक्टली. आंखों पे सालों को अंधा कर दो. ओह माय गॉड. नथिंग. मैं द ग्रेट खली जी के रेसलिंग में मैं गई थी. yes. मैंने बहुत इंजॉय किया पंजाब में, बहुत मज़ा आया. बस सिर्फ मेरा वो उन्होंने इंग्लिश में बोला था एक रेसलर ने, रेबल ने, कि इज देर इज इन इंडिया एनी वन हु कैन चैलेंज मी, हु कैन कम इन द रिंग. मैं ये भूल गई उसने पिटाई के बारे में नहीं बोला था. आई थॉट उसने कहा था कि डांस करने के लिए. सो यू नो, मगर सोचे समझे मैं रिंग में चली गई. मैं आके डांस वांस किया और मुझे पता ही नहीं चला है उसने मुझे सारा कब उठा लिया कब पटक दिया. आई डिड नो दैट. और जब मुझे चोट लगी मैं होश में आई तब मैं पता नहीं कहाँ थी. और जब मैं होश में आई तो पूरी दुनिया मुझे गालियां दे रही थी कि तुम रिंग में गई क्यों. इवन आस्किंग माय सेल्फ कि मैं रिंग में गई क्यों. But that time I didn't really understand what the fuck they were trying to say. मेरी किस्मत मत